हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है अंडर 15,000 के प्राइस में टॉप 3 स्मार्टफोन का। बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। थर्ड नंबर पे आता है रेडमी का नोट 10S, 14,999 रुपए के प्राइस में बाई कर सकते हैं। रेडमी के नोट 10S का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी डिस्प्ले। 6.43 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी बेटर डिस्प्ले आप लोगों को रेडमी के नोट 10S में देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो रेडमी के नोट 10S में मीडियाटेक का हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट पे अगर नजर डाली जाए तो रेडमी के नोट 10S में बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो मेन प्राइमरी कैमरा निकल के आता है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बाकी के तीन कैमरे 8+2+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी के लिए आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो रेडमी के नोट 10S में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं सिक्योरिटी फीचर के लिए रेडमी के नोट 10S में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है मोटो का G40, 13,999 रुपये के प्राइस में बाई कर सकते हैं। मोटो के G40 का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को नियर स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोगों को काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। मल्टीटास्किंग के लिए 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मोटो के G40 में 6.8 इंच की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मोटो के G40 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है मोटो के G40 में। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने मिल जाती है। टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ आप लोगों को USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नंबर पे आता है हमारा पोको का X3, 14,499 रुपए के प्राइस में ऑनलाइन मार्केट से बाई कर सकते हैं। पोको के X3 का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ साथ 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो पोको के X3 में बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। बाकी के तीन कैमरे 13+2+2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। साथ ही साथ सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो 15,000 रुपये से कम के प्राइस में पोको के X3 में गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छी रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक दोनों में काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पोको के X3 में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 33W का क्विक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है पोको के X3 में।